गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 13, वेज टू मल्टीपल एंड डिवाइड। प्रीवियस 2-3 लेक्चर से हम ये चैप्टर के मल्टीप्लाई के सम्स करते आ रहे हैं, पर मल्टीप्लाई के वो सिंपल मल्टीप्लाई की तरह नहीं है जो हम अभी तक आप सीखते आ रहे हैं। ओके, अब हमारा एक न्यू मेथड इसमें वो ऐड हुआ है जो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग विद बॉक्स मेथड। Multiply the following with box method. Box method से हम ये सब सॉल्व करते हैं। तो नंबर वन, स्टार्टिंग में हमने दो डिजिट के सम्स लिए थे, फिर 2-3 डिजिट के, अब हमारे दोनों 3-3 डिजिट के सम्स हो गए, तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो नंबर वन है 352 मल्टीप्लाई 248। ओके, 352 मल्टीप्लाई 248। तो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये नंबर को एक्सपांड फॉर्म करना है, फिर बॉक्स बना रहे हैं। ओके, तो हम पहले दोनों नंबर का एक्सपांड फॉर्म लिख देंगे। तो 352 का एक्सपांड फॉर्म है 300 प्लस 50 प्लस 2, 300 प्लस 50 प्लस 2। अब 248 का एक्सपांड फॉर्म लिखेंगे, 200 प्लस 40 प्लस 8। ठीक है, हम एक्सपांड फॉर्म लिखेंगे, 352 का एक्सपांड फॉर्म है 300 प्लस 50 प्लस 2, फिर 248 का एक्सपांड फॉर्म है 200 प्लस 40 प्लस 8। अब यहाँ देखो, 3 और 3 मतलब 3 3 3 3 9, तो वी हैव टू मेक 9 बॉक्सेस। 1 2 3 1 2 3, 3 3 9 बॉक्सेस हमको यहाँ पर बनाने हैं। ओके, 9 बॉक्सेस हमने यहाँ पर बना दिए। अब जो पहला नंबर है वो नंबर को स्लीपिंग में लिखेंगे और दूसरा नंबर है उसको हम स्टैंडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ 3 बॉक्स के ऊपर लिखेंगे 352। ओके, फर्स्ट नंबर जो है जिसका एक्सपांड फॉर्म है उसको हम स्लीपिंग रो में लिखेंगे, और ये सेकंड नंबर जो है उसको हम स्टैंडिंग लाइन में अरेंज कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे 248। इसके पहले वाले सम्स के लिए सेम वही मेथड है, थोड़ा सा ये बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब ये 200 को हम थर्ड 300 से मल्टी करके इसमें लिखेंगे, फिर यहाँ पर 200 को 50 से मल्टीप्लाई करके और ये बॉक्स में 200 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, 200 को टर्न बाय टर्न तीनों नंबर से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 40 का टर्न, 40 को ये ऊपर वाले तीनों नंबर से मल्टी करके हम बॉक्स में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो, बाहर हमको 8 नंबर दिया है, तो ये 8 नंबर पर यहाँ 300 आएगा। 8 नंबर पर टर्न बाय टर्न ऊपर वाले तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके हम बॉक्स के अंदर लिख देंगे। 8 मल्टीप्लाई 300 200 मल्टीप्लाई
300, 200 multiply 50 and 200 multiply 2. Second box देखो, 40 into 300, 40 into 50, 40 into 2. 8 से multiply, 8 into 300, 8 into 50, 8 into 2. अब हम सबका multiply लिखेंगे. 2, 3 जा 6 और 1, 2, 3, 4, 0. तो क्या हुआ 60,000. 2, 5 जा 10 और 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. तो इसका क्या हुआ 10,000. 200, 2 जा 400. ओके, अब 4, 3 जा 12, पीछे 3, 0 लग गए, तो क्या हो गया 1200. 40 into 50, 4, 5 जा 20, और 2, 0 मतलब 2000. ना 42 जा 80, 8, 3 जा 24, 5, 2, 0, 8, 5 जा 40 और 1, 0, 8, 2 जा 16, ओके? मिल गए सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई. जैसे हमने इसके पहले सम्स किए सेम उसी मेथड है, सिर्फ थोड़े यहाँ नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस भी बढ़ रहे हैं. पहले नंबर का एक्सपांड फॉर्म स्लीपिंग लाइन में लिखेंगे, दूसरे नंबर का एक्सपांड फॉर्म को हम स्टैंडिंग लाइन में लिखेंगे, फिर इस तरह से क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके बॉक्स में लिखते जाएंगे. आपको ये पजल की तरह भी लगता होगा. ओके, अभी जो सारे मल्टीप्लाई हैं उसको हम यहाँ पर स्टैंडिंग कर देंगे और उसका टोटल कर देंगे, तो वो टोटल है वो क्या होगा हमारा, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा. ओके, 60,000. ये नंबर अरेंज करने में भी आपको ध्यान रखना है कि नंबर के नीचे ही नंबर प्रॉपरली आना चाहिए, वरना आपको एडिशन करने में प्रॉब्लम हो सकता है. फिर 10,000, 400, 12,000, 2,000, 80, 2,400, 400 and 16. देखो कितना बड़ा नंबर था सब में, कितना बड़ा प्लस करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, देखो. ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल करेंगे. तो टोटल के लिए हमें नंबर के नीचे नंबर लिखना जरूरी है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे अगर नंबर लिख दिया तो आपको टोटलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. अब इतना लिखने के बाद में आपको इजी वे बताओ कि जहाँ पर मिसिंग प्लेस है वहाँ पर जीरो लिख दो, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी. ओके, यहाँ पर 2,0, यहाँ पर 1,0, यहाँ पर 3,0. जीरो लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको ऐसे एडिशन करना पाता है तो आप जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. जीरो लिखने का इंटेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको काउंटिंग में मिस्टेक ना हो. अब हम इसका टोटल करेंगे, 6, ये है 8 + 1, 9, 4 + 4 + 4 मतलब 12 का 2 carry 1, 1 + 2 = 3, 4, 5, 6, 7 और 6 + 1 = 7, 8. 87,296. यहाँ से ऐसे आंसर करके लिख देने का 87,296 और आंसर को ऐसे बॉक्स में लिख देने का. ओके, क्लियर हो गया. अब हम इसी तरह का दूसरा सम कर रहे हैं सेम मेथड का. सेकंड नंबर 439 मल्टीप्लाई 147. ओके, 439 मल्टीप्लाई 147. सबसे पहले एक्सपांड फॉर्म कर देंगे, 400 + 30 + 9,
फिर 147 का एक्सपांड फॉर्म 100 प्लस 40 प्लस 7, ओके एक्सपांड फॉर्म कर दिया। अब हम पहले कितने नंबर से तीन नीचे भी थी, मतलब 3 3 9, वी हैव टू मेक 9 बॉक्सेस हियर। इस तरह से हमने 9 बॉक्स बना दिए। अब जो पहला नंबर है उसको हम स्लीपिंग में लिखेंगे, दूसरा नंबर को हम स्टैंडिंग में लिखेंगे। अब 7 से तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके एकदम इजी लग रहा होगा क्योंकि हम तो बहुत सारे सम्स कर चुके हैं ये इस तरह के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 4 1 4, पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 40,000। 1 3 3, पीछे 3 0, तो 3,000। 100 9 9 100, 4 4 16, 1 2 3, 1 2 3, 4 3 12, और पीछे 2 0 लगाएंगे। 4 9 36, पीछे लग गया 1 0। 7 4 28, पीछे लग गए 2 0। 7 3 21, 1 0, 7 9 63, ठीक है। इस तरह से हमने अंदर बॉक्स के अंदर आंसर लिख दिया। अब क्या करना है, ये सारे आंसर का टोटल करना है। 40,000, 3,000, 900, 16,000, 1,200, 360, 2,800, 210 and 63. ओके इस तरह से हमें इसको प्लस करना है। देखो अब हम एक नंबर के नीचे प्रॉपरली एक नंबर लिखना जरूरी है, ठीक है। 6 + 1 7 + 6 13, 31 1 + 9 10 10 15, 15 + 10 25 + 5, 32 2 3 5 5 + 6 11, 12 13 14 4, 1 4 + 1 5 6 64,533, ओके करेक्ट आंसर। फिर से पूरा सब समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करते हैं, पर कौन सी मेथड से, बॉक्स मेथड से। तो ये दोनों नंबर को हम पहले एक्सपांड फॉर्म कर देंगे। तो 439 का एक्सपांड फॉर्म है 400 + 30 + 9, फिर 147 का एक्सपांड फॉर्म है 100 + 40 + 7। अब हम यहाँ देखो तीन नंबर, यहाँ तीन नंबर, 3 3 9, हमको 9 बॉक्सेस बनाने हैं। अब बॉक्स में जो फर्स्ट है स्लीपिंग लाइन में जिसका एक्सपांड फॉर्म, उसको हम स्लीपिंग में लिखेंगे, और सेकंड नंबर का एक्सपांड फॉर्म को हम स्टैंडिंग लाइन में लिखते जाएंगे।
मल्टीप्लाई दिखाते जाएंगे। फिर सेकंड नंबर में 40 को इस 400 के साथ, 40 को 30 के साथ, 40 को 9 के साथ मल्टीप्लाई दिखाया। उसी तरह 7 को 400 से, 7 को 30 से और 7 को 9 से मल्टीप्लाई दिखाया। इतना करने के बाद ये अंदर सारे आंसर लिख देने के मल्टीप्लाई करके, अब ये सारे जो आंसर लिखे उसको हमें यहाँ पर प्लस करना है, तो वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है हमारी बॉक्स मेथड, जिसके ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे सम्स कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी एक और कर लेते हैं और उसके बाद हम सिंपल मल्टीप्लाई जो है सीरीज़ हम यूज़ करते हैं। अभी इसकी सिर्फ एक सम मैं करवा देती हूँ, क्योंकि सेम मेथड के बहुत सम हो गए। फिर अभी ये चैप्टर में वर्क प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। नेक्स्ट नंबर जो हम ले रहे हैं 402 मल्टीप्लाई बाय 204। एक्सपांड फॉर्म कर दे 402 का, 400 प्लस 00 प्लस 2, फिर 204 का एक्सपांड फॉर्म कर दे 200 प्लस 00 प्लस 4। ओके, अब तो आपको ये मेथड एकदम लर्न हो गई होगी, बहुत सारे हमने ये मेथड के सम्स किए हैं। अब 9 बॉक्स चाहिए हमको। पहले बॉक्स के ऊपर लिखेंगे 400, 00 एंड 2, और यहाँ लिखेंगे 200, 00 एंड 4। जहाँ भी 0 आता है ना वो आपको बहुत कम हो जाता है, जैसे यहाँ पर 0 है तो ये पूरी रो 00 हो जाएगी, यहाँ पर 0 है तो ये पूरी रो 0, तो मतलब 1 2 3 4 5 नंबर्स तो निकल गए, तो पीछे कितने बचे हैं 4 नंबर, तो आपको 4 ही नंबर का टोटल लगाना होगा। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई दिखा देते हैं। 4 2 8, पीछे 1 2 3 4 0, मतलब 80,000। 0 से मल्टीप्लाई मतलब 0। 200 2 400, ये पूरी रो में क्या आएगा 0 0 0, बिकॉज हमको पता है कि कोई भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 0। 4 4 16 100, 4 0 0, 4 2 8। अब जहाँ पर भी आंसर 0 0 है उसको हम एडिशन में मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को प्लस या माइनस करने से आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो दैट इज़ बेटर कि हम उसको इंक्लूड ही ना करें। ओके, तो जो नंबर है ओनली उसी का हम एडिशन करेंगे। 80,000 प्लस 400 प्लस 1600 प्लस 8, देखो 5 नंबर्स निकल गए। टोटल हमारे यहाँ 9 नंबर्स होते हैं, 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 बॉक्सेस के लिए होते हैं 9 नंबर्स, पर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 नंबर तो 0 ही है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 1 2 3 4, 4 ही नंबर का हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये थी हमारी बॉक्स मेथड। अब हम रेगुलर मेथड करेंगे, जो मल्टीप्लाई आप लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिंगल डिजिट के, फिर सेकंड स्टैंडर्ड से दो डिजिट के
विदाउट कैरी, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने कैरी वाले भी मल्टीप्लाई किए हैं, तो अब हम थोड़े बड़े नंबर के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब मैं हेडिंग दूंगी सिर्फ इतना ही, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। जब आपको इस तरह का हेडिंग दिया हुआ हो तब आपको सिंपल मल्टीप्लाई बताना है। जब आपको हेडिंग दिया हो कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग विथ बॉक्स मेथड, तब आपको वो बॉक्स वाली मेथड बतानी है। ठीक है, अब हमारे सिंपल मल्टीप्लाई पहले दो दो डिजिट के करेंगे, 63 मल्टीप्लाई 17। ओके, तो यहाँ पर दो डिजिट है। ओके, हमें यहाँ नीचे वाले डिजिट ही देखना है, ये दो डिजिट है तो दो में से एक कम करेंगे तो 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, वन नंबर, तो वन को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 3 3, 1 6 6, ओके, प्लस करेंगे। अब हम 7 नंबर से ऊपर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 6 7 42, 42 + 2 = 44। अब ये दोनों का हम प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आया, 1071। ओके, अब दूसरा करेंगे हम, 172 × 94। देखो जब भी यहाँ पर दो डिजिट हो तो आपको एक जीरो लगाना है, हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, पुट 1 0। नाउ सी द 9 नंबर, लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, 9 नंबर, 9 नंबर को ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 9 2 18 का 8 carry 1, 7 9 63, 63 + 1 = 64 carry 6, 9 9 9 + 6 = 15। ओके, फिर से बता दूं, यहाँ पर दो नंबर हो तो यहाँ पर एक जीरो लिखना है, फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में हमें नंबर दिया है 9, 9 2 18 का 8 carry 1, 9 7 63, 63 + 1 = 64 का 4 यहाँ पर carry 3, 9 1 9, 9 + 6 = 15। ओके, 9 से पूरे नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड से का नंबर देखेंगे। ठीक है, तो राइट साइड में कौन सा नंबर दिया है, 4 नंबर। अब हम 4 नंबर से ऊपर वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 7 28 का 8 carry 2, 4 1 4 + 2 = 6, अब ये सबका प्लस करेंगे, 16,168। ओके, तो इस तरह से दो डिजिट के सम्स होते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, लेसन नंबर 13, वे टू मल्टीपल एंड डिवाइड, तो अभी तो हम मल्टीप्लाई के टॉपिक में ही हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के टॉपिक में हमने दो तरह के मल्टीप्लाई के सम्स सीखे हैं, कि जिसमें हमें फर्स्ट मेथड हमारी थी बॉक्स मेथड। ठीक है, जिसमें सब पहला स्टेप था कि नंबर को एक्सपांड कर दो, फिर बॉक्स के अंदर अरेंज कर दो, फिर पर्टिकुलर एक नंबर को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर करके बॉक्स में लिखते जाओ और फिर सभी नंबर का टोटल करो, तो वो थी बॉक्स मेथड। और जब मैं आपको इस तरह की हेडिंग दूँ कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो आपको ये सिंपल मेथड बतानी है, आपको बॉक्स मेथड नहीं बतानी है। अगर आपने बॉक्स मेथड बताया तो आपको रॉन्ग दिया जाएगा। जब आपको ऐसा कहो कि बॉक्स मेथड में सॉल्व करो, तभी आपको बॉक्स मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज जब इस तरह का हेडिंग हो तो आपको सिंपल इसी तरह के मल्टीप्लाई दिखाने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर दो डिजिट है, दो डिजिट, यहाँ पर तीन डिजिट, दो डिजिट, हमें ये नीचे के डिजिट देखने होते हैं। अगर ये दो डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो लिखेंगे और लेफ्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट से हो जाने के बाद प्लस करके नीचे हम राइट नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ये दोनों का प्लस करेंगे, तो वो हमारा आंसर हो
बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के सम्स आगे करेंगे। ओके, तब तक आप इसी तरह के सम्स का रिवीजन करो। थैंक यू।